खैर ये तो तय हो गया कि देश में सरकार एनडीए की बनने वाली, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची बाकी। अगर आंकड़ों को देखें तो एनडीए में बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12 सीटें हैं, शिवसेना के पास 7 सीटें हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 5 सीटें। मोदी 3.0 में सहयोगी दलों की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली, खासतौर पर टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इस सरकार में काफी अहम भूमिका रहेगी। अगर इन चार पार्टियों को देखें तो टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास 12, शिवसेना के पास 7 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पास 5। तो अब सवाल ये कि गठबंधन में शामिल तमाम दूसरे दल क्या मांग करते हैं, मंत्रिमंडल में कितनी जगह की डिमांड होती है। टीडीपी और जेडीयू की ओर से मनपसंद मंत्रालय की मांग भी संभव है। खबर ये भी है कि हर चार सांसद पर एक मंत्री की मांग हो सकती है। इस लिहाज से देखें तो टीडीपी जिनके पास 16 सीटें हैं वो 4 मंत्रालय मांग सकती है, जेडीयू जिसके पास 12 सीटें हैं वो 3 मंत्रालय मांग सकती है, शिवसेना जिसके पास 7 सीटें हैं वो 2 मंत्रालयों की उम्मीद कर सकती है और चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद हैं वो भी 2 मंत्रालयों की उम्मीद कर सकते हैं। साल 2019 की बात करें तो संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई। साल 2019 में जेडीयू ने संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह की मांग की थी और ऐसा न होने पर सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन स्थितियां अब बदल गई। बीजेपी के पास संख्या के हिसाब से मंत्री बनाने पड़ सकते हैं और इसका मतलब ये होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या भी घट सकती है और सहयोगियों की संख्या बढ़ सकती है। पंचायती राज और ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय जेडीयू को दिए जा सकते हैं, नागरिक उड्डयन, स्टील जैसे मंत्रालय टीडीपी को मिल सकते हैं, डिप्टी स्पीकर का पद भी टीडीपी को मिल सकता है, भारी उद्योग शिवसेना को मिल सकता है, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में सहयोगियों को राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। कई ऐसे मंत्रालय भी हैं जिसे बीजेपी सरकार में तेजी से काम किए गए हैं और संभव है कि इन मंत्रालयों का जिम्मा बीजेपी अपने पास रखे, जैसे कि रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखना चाहे। हालांकि संभव है कि टीडीपी के साथ जेडीयू और एलजेपी की ओर से कुछ अहम मंत्रालयों की मांग की जा सके। जाहिर सी बात है कि नंबर का जो गेम है वो बदल गया है और इस बार सहयोगी दलों की भूमिका काफी अहम। संभव है कि सहयोगी दल इस बार बड़े मंत्रालयों की मांग कर सकते हैं और रास्ता बीजेपी को निकालना हो।